आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, प्राइम टीवी पर आपका स्वागत है। बात हर उस खबर की जिसमें आपका सरोकार होता है, लेकिन बात सबसे पहले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज दूसरा दिन है। आज 15 सत्र का आयोजन है, जिसमें केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री देश और यूपी के विकास का खाका और डबल इंजन की सरकार का विजन साझा करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां इसकी रूपरेखा और विकास कार्यों की चर्चा की, वहीं यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पीएम को गुड गवर्नेंस से नवाजते हुए उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास के बारे में बताया। देश के स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में भी यूपी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। आने वाले कुछ वर्षों में 100 इंक्यूबेटर्स और 3 स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स को स्थापित करने का लक्ष्य यूपी सरकार ने रखा है। यानी यहां आने वाले इन्वेस्टर्स को टैलेंटेड और स्किल युवाओं का एक बहुत बड़ा पुल भी मिलने जा रहा है। साथियों, एक तरफ डबल इंजन सरकार का इरादा और दूसरी तरफ संभावनाओं से भरा उत्तर प्रदेश, इससे बेहतर पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती। उत्तर प्रदेश ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कुछ भी उपलब्धि हासिल करने की, देश के स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में भी यूपी की आयोजन होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री देश और यूपी के विकास का खाका और डबल इंजन की सरकार का विजन साझा करेंगे। अब तक प्रदेश सरकार ने अपने लक्ष्य से 3 गुना से अधिक निवेश प्रस्ताव हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। विभिन्न कंपनियों के साथ राज्य सरकार ने 18,643 MOU समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत अब तक 32.92 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कहा कि इससे प्रदेश के युवाओं को 92.50 लाख से अधिक नौकरी व रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। प्रदेश में बेहतर आधारभूत सुविधाओं व बदली कानून व्यवस्था का परिणाम है कि आर्थिक रूप से पिछड़े पूर्वी क्षेत्र को 9,55,000 करोड़ रुपए तथा बुंदेलखंड को 4,28,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह औद्योगिक निवेश इन क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाओं को आकार देने वाला है। हमारे संवाददाता राजन सोनकर हमसे जुड़ेंगे। राजन, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ नई तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश नई दिशा दिखाने का और नया रूप तैयार करने का, जो उनका प्लान जो पूरा खाका तैयार कर रखा था वो जल्द उनका सपना पूरा होने वाला है। क्योंकि देश ही नहीं, विदेश से उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करने जा रहे हैं। लगभग माना जा रहा है कि 32 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में होगा, जिससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और शिक्षा को बढ़ावा भी मिलेगा। नए नए कंपनियों से उत्तर प्रदेश का टाइप होने जा रहा है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का, वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। हमने कई लोगों से यहाँ पर बात की थी तो उनका यही कहना था कि जो हम युवाओं जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे थे और जो उत्तर प्रदेश सरकार का दावा था कि आने वाले समय में युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं पूरा होने वाला है। जी मयूरी जी, राजन, अगर मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पश्चिम की बात करूं तो निवेश को लेकर वहां स्थिति कैसी देखने को मिल रही है?
देखिए पश्चिम में भी निवेश का बहुत बड़ा दाव खेला जा रहा है क्योंकि उद्योगपति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनका कामकाज करने का तरीका बड़े बड़े उद्योगपति को जो है पसंद आया है, इसलिए बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश में और पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बहुत मोटी रकम लगाने वाले हैं जिससे उत्तर प्रदेश को और पश्चिम उत्तर प्रदेश को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, युवाओं को रोजगार मिलेगा और उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं बहुत जल्द डेवलप होने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के विकास की बात की जाए तो पिछले कई वर्षों में जो विकास योगी सरकार में हुआ है वो अब से पहले किसी सरकार में नहीं हो पाया था। जी मयूरी, राजन पीएम मोदी ने कानून व्यवस्था को लेकर बात की थी, अगर मैं बात करूं तो पहले की कानून व्यवस्था में और अब की कानून व्यवस्था में क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए जब सरकार बनी थी तो योगी सरकार ने पहले ही कह दिया था कि जो भी अपराधी हैं, जो भी जिस तरीके के गलत काम करते हैं, अपराधी किस्म के माफिया हैं, वो या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें नहीं तो उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनते ही साफ तौर पर यही हुआ है, जितने भी अपराधी थे, क्रिमिनल थे, या तो वो सलाखों के पीछे गए या एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए या फिर उन्होंने अपना आपराधिक इतिहास छोड़कर एक सीधा साधा जीवन अपना गुजार रहे हैं, कोई दूसरा रोजगार कर रहे हैं। इसी को देखा जाए तो कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है क्योंकि अब से पहले की सरकारों में लगातार अपराध बढ़ते थे, लूट होती थी, डकैती होती थी, मर्डर होते थे और यहाँ तक कि बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार में, योगी सरकार में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, रात को महिलाएं अकेली जा सकती हैं, चाहे वो शॉपिंग की बात हो, चाहे वो बच्चों को स्कूल छोड़ने की बात हो। क्योंकि पहले की सरकारों में ज्यादातर यही होता था कि महिलाएं सड़क पर जाती थी तो उनसे कमेंट किया जाता था, उनके साथ में अश्लीलता की जाती थी, यहाँ तक कि उनके साथ में बलात्कार भी किया जाता था। लेकिन योगी सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल मजबूत है और अपराधियों को तलाशों के पीछे भेजा जा रहा है क्योंकि योगी बाबा का बुलडोजर उन सभी माफियाओं के खिलाफ चलेगा जो उत्तर प्रदेश में गलत काम करेगा। जी मयूरी, आयोजन किया गया है उससे उत्तर प्रदेश की तस्वीर कितनी बदलेगी, प्रदेश वासियों के जीवन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस समिट से? देखिए इस जीआईएस से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर बिल्कुल बदलने से है और काफी हद तक इस जीआईएस से आने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदला भी है काफी हद तक और अब बहुत तेजी से विकसित उत्तर प्रदेश होने जा रहा है क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपति उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने सिंगापुर में प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बता दें लगातार सिलसिला जारी है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का, वहीं सीएम योगी ने सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम बड़े दिग्गज मौजूद हैं, वहीं सीएम योगी भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम योगी नजर आ रहे हैं, लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का सिलसिला चल रहा है, वहीं सीएम योगी ने सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। एक बार फिर से संवाददाता राजन का रुख करूंगी, तो राजन जैसा कि समिट का आयोजन किया जा रहा है तो इससे क्या कुछ उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, प्रदेश वासियों के जीवन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए मयूरी, जैसा कि मैंने आपको बताया उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो योगी सरकार के आने पर काफी हद तक बदली है और अब जीआईएस की बात करें तो जीआईएस आने के बाद में उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो है बहुत तेजी से बदलने वाली है क्योंकि उत्तर प्रदेश पहले से ही विकसित था जब से योगी सरकार बनी थी और बहुत तेजी से अब इस काम को गति दी जाएगी, बहुत तेजी से इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा क्योंकि जो उद्योगपति थे वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे जब तक और सरकारें थी, अब योगी सरकार आने के बाद में वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बिल्कुल निश्चिंत होकर वो निवेश काफी अच्छे स्तर पर करेंगे। इससे क्या कुछ फायदा होने वाला है, जैसे कि सड़कें हैं, स्कूल है और बच्चों की शिक्षा की बात करें, लोगों के रोजगार की बात करें, क्योंकि योगी सरकार आने पर काफी युवाओं को यही कहना था कि हमें रोजगार की बात की थी, रोजगार नहीं मिला, तो वो भी योगी सरकार ने वो रास्ता क्लियर कर दिया है क्योंकि आने वाले समय में कई लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा और उससे सड़कें और जो कंपनियां हैं वो भी टाई अप कर ली है योगी सरकार ने, उनसे भी बातचीत हो गई है, तो काफी हद तक माना जाए तो तस्वीर बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार में बदलने वाली है। और वहीं कानून व्यवस्था की बात करूं तो अब से पहले की सरकारों में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप थी,
खुलेआम गुंडागर्दी हुआ करती थी, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, बलात्कार हुआ करते थे, लूट डकैती के अंजाम दिया जाता था ऐसी गंभीर घटनाओं को। लेकिन अब योगी सरकार के आने के बावजूद, योगी सरकार के आने के बाद में पुलिस ने एनकाउंटर करने शुरू किए हैं, जितने भी माफिया है बाबा का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। भाई अपराधी इस चीज से खौफ है, अपराधी ने इस अपराध को छोड़कर एक सीधी सादी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी है। जी जी धन्यवाद राजन तमाम जानकारियों के लिए। बता दें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है, आज भी कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं, तमाम बड़े दिग्गज मौजूद हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में निवेश देखने को मिल रहा है, वो जीआईएस से युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का रायबरेली में भी आयोजन किया गया है, अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों की भी मौजूदगी हुई है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, रायबरेली से आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है, अधिकारियों के साथ साथ आम लोगों ने भी मौजूदगी दर्ज कराई है। शहर शहर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है, समिट से तमाम तरह की बता दें जीआईएस को लेकर रोजगार की संभावना जताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रायबरेली में भी जीआईएस का आयोजन किया गया है, जिसमें आम लोगों ने भी मौजूदगी जताई है। जीआईएस के आयोजन में रायबरेली की डीएम माला श्रीवास्तव ने भी मौजूदगी दर्ज कराई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अधिकारियों के साथ आम लोग भी मौजूद हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं जीआईएस का आयोजन किया जा रहा है। बता दें शहर शहर जीआईएस का आयोजन देखने को मिल रहा है, लोगों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। जीआईएस समिट से कई तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं, रोजगार से लेकर तमाम तरह की उम्मीदें जताई जा रही हैं। ये आपको हम रायबरेली से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां अधिकारियों के साथ आम लोगों ने भी मौजूदगी दर्ज कराई है, जीआईएस का आयोजन किया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा था, ये आपको सुनाते हैं। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से
यूपी सीधे समुद्र से जुड़ रहा है, गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से कनेक्ट होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश में एक और विषय में बहुत प्रशंसनीय काम हुआ है। ये काम एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी हेल्थ यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ऐसे अनेक संस्थान अलग अलग स्किल्स के लिए युवाओं को तैयार करेंगे। भारत का श्री अन्न ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को एड्रेस करें। दुनिया इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में भी मना रही है। इसलिए एक तरफ हम किसानों को श्री अन्न के उत्पादन के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके लिए ग्लोबल मार्केट का भी विस्तार कर रहे हैं। सीएम योगी ने सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है, लगातार उनका मुलाकातों का सिलसिला जारी है। वहीं आज सीएम योगी ने सिंगापुर के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की है। इस खबर पर हमारे संवाददाता अमरोहा से विनीत हमसे जुड़ेंगे। विनीत, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ आज खास देखने को मिल रहा है? देखिए, अमरोहा जिले में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने चाक चौबंद तैयारियां की है। डीएमपी की त्रिपाठी से हमारी कल बातचीत शुरू हुई। इस पूरे मामले में उन्होंने बताया है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार अमरोहा जनपद सहित पूरे प्रदेश में जो है व्यापार का एक मेला लाना चाहती है, उत्तर प्रदेश में जो है व्यापार को बढ़ावा दे रही है, तो उसकी तरह ये जो इन्वेस्टर समिट है अमरोहा में भी इसका खासी उत्साह देखने को मिल रहा है। 5,000 करोड़ से अधिक यहाँ पर इन्वेस्टर मिल चुके हैं और यहाँ पर जो लोग यहाँ से पलायन भी कर गए थे ना पिछली सरकारों में, उन लोगों ने भी इस बार यहाँ पर जो अपना रुख किया है और अमरोहा में 50, 100 करोड़, 500 करोड़ के जो है इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, यहाँ पर व्यापार लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग अपना इन्वेस्ट करने के लिए अमरोहा जनपद में जो है व्यापारिक राह देख रहे हैं। जी विनीत, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है, आप अमरोहा में मौजूद हैं, लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है आज? क्या क्या कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, कौन कौन लोग मौजूद हैं? देखिये, आपको बता दूं कि अमरोहा जनपद में विभिन्न स्थानों पर यह कार्यक्रम है। कलेक्ट्रेट में खास प्रोग्राम किया जा रहा है, वहां पर मेला भी आयोजित किया जा रहा है। इन्वेस्टर समिट में जो है जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ यहाँ पुलिस के अधिकारी और जो क्षेत्रीय नेता हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि बड़े नेता जो हैं वो सब लखनऊ में हैं और लखनऊ में एक तरीके से रैला है, बहुत बड़ा प्रोग्राम वहाँ पर हो रहा है। जी विनीत, अगर मैं अमरोहा की बात करूँ तो किन किन सेक्टरों में कितना निवेश आ चुका है, किन सेक्टर को रफ्तार मिलती हुई नजर आ रही है? उद्योग धंधों की अगर बात करें तो उद्योग में जो है अमरोहा जनपद में इंडस्ट्री एरिया हमारा गजरौला पड़ता है, वहां पर सेक्टर की तो पूरी तरह से हम लोग नहीं बता सकते आपको, लेकिन बता सकते हैं कि 5,000 से अधिक करोड़ का जो लक्ष्य था वो इनका सरकार अमरोहा जिला प्रशासन का पूरा हो चुका है और अभी भी जो है भाग के इन्वेस्टर लगातार अमरोहा जनपद की ओर रुख कर रहे हैं। जी
जी धन्यवाद विनीत तमाम जानकारियों के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है, लगातार कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है, आप मौके पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं? समिट को लेकर आज दूसरा दिन है, कल इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और तीसरे दिन इसका समापन राष्ट्रपति के आगमन के बाद होगा। मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात सरकार कह रही है और अब तक 32.92 लाख करोड़ के MOU भी साइन हो चुके हैं, जो देश के सबसे बड़ा उद्योग घराना है, बिजनेसमैन है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, कुमार आदित्यमंगलम बिरला हो या फिर टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी हो, सबने उत्तर प्रदेश में निवेश की बात कही है। वही अगर बात कर दे रिलायंस की तो इसके पहले रिलायंस अब तक 50 करोड़ का निवेश कर चुका है और आगे जो है नई 75 करोड़ का निवेश करेगा और इस निवेश के माध्यम से कुल 1 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिलेगा। इस तमाम रेसिडेंसी के बाहर खड़े हैं और यहाँ पे तमाम तरह की जो है व्यवस्थाएं की गई है ताकि जो आने वाले लोग हैं, मेहमान है यहाँ पे आए, जिन्हें किसी प्रकार की अव्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े। अतिक्रमण वगैरह को हटा दिया गया है, जो अवैध दुकानें थी उसको हटा दिया गया है, अवैध पार्किंग को हटा दिया गया है और हर जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो लखनऊ की प्राचीन विरासत है जिससे लखनऊ जो है जाना जाता है, लखनऊ की शान कही जाती है, चाहे वो इमामबाड़ा हो या फिर गुरबुलैया हो, रूमी दरवाजा हो, पुराना लखनऊ हो, चौक हो, रेसिडेंसी हो, हर जगह पे इस तरह के इंतजाम किए हैं ताकि जो निवेशक है, जो विदेशी मेहमान है, जो घरेलू निवेशक वो आए और इन चीजों का लुत्फ उठाए और इन सब चीजों से रूबरू होते हुए लखनऊ की विरासत, लखनऊ की सभ्यता, लखनऊ की जुबान से लेकर लखनऊ की गायिका, इन सबको वो करीब से देखे, महसूस करे। मयूरी, विवेक अगर मैं निवेश की बात करूँ, पश्चिम यूपी की बात करूँ तो किस सेक्टर में कितनी रफ्तार देखने को मिल रही है? बता दें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है, आज 15 सत्र का आयोजन है जिसमें केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार के मंत्री देश और यूपी के विकास का खाका और डबल इंजन एक बार फिर से रुख करेंगे। विवेक अगर हम निवेश की बात करें, पश्चिम यूपी की बात करें तो किस सेक्टर में कितनी रफ्तार देखने को मिल रही है? देखिए अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में निवेश की तो सबसे ज्यादा निवेश जो मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में दिखाई दे रही है, कम से कम 56% हिस्सेदारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हो सकती है। उत्तर प्रदेश को लगातार मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और जो तमाम निवेशक है ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है मैन्युफैक्चरिंग का हब हो, ये उत्तर प्रदेश की सरकार भी चाहती है और तमाम बड़े निवेशक भी चाहते हैं। उत्तर प्रदेश काफी बहुत बड़ा राज्य है और जिस प्रकार की सरकार ने कानून व्यवस्था को बेहतर किया है, सुदृढ़ किया है, तो निवेशक है, चाहे वो देश के अंदर के निवेशक हो या फिर विदेशी निवेशक, जो तमाम दर्जनों देशों से यहाँ पे आ रहे हैं, तकरीबन 16 देशों के निवेशक जो है वो यहाँ पे निवेश करने की योजना बना रहे हैं और 10 से ज्यादा देशों के निवेशक जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भाग भी ले चुके हैं। तो इन सब चीजों की वजह से उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के प्रति सरकार देख रही है, तकरीबन 56% हिस्सेदारी है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ जा रही है, वही लगभग 5% और हिस्सेदारी है पर्यटन की तरफ जा रही है और दूसरी तरफ फार्मा के इंडस्ट्री में, मेडिकल के सेक्टर में भी निवेश को लेकर तमाम बड़ी कंपनियां आगे आ रही है। इससे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी ज्यादा बदलाव हो सकता है, काफी ज्यादा सुदृढ़ व्यवस्था हो सकती है। मेरी विवेक अगर देखा जाए तो पिछले समिट के मुकाबले इस बार 6 गुना अधिक निवेश का लक्ष्य रखा गया है। पिछले साल के मुकाबले अगर लक्ष्य की ही बात नहीं, इसको प्रचारित भी काफी अच्छे तरीके से किया जा रहा है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो या फिर केंद्र की भाजपा सरकार हो, सब जो है इसको बेहतरीन ढंग से प्लेटफॉर्म पे भी ला रहे हैं और अपने अपने तरीके से लोगों को जागरूक कर रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और G20 के लिए। G20 का भी आयोजन उत्तर प्रदेश में होने वाला है, भारत जो है 20 देशों के समूह की मेजबानी करेगा, यह पहला अवसर है जब बाकी सरकार जो है उत्तर प्रदेश में G20
मेजबानी करा रहा है, तो तमाम कई चीजें जो है इसे जोड़ के देखी जा सकती है। और इस बार जो है 6 गुना से भी ज्यादा निवेश जो है वो 32.92 लाख करोड़ के अमीर साहब, लेकिन देखने वाली बात होगी इस धरातल स्तर पर इसका इम्प्लीमेंट कितने तरीके से होता है, क्योंकि इससे पहले भी कमिट होते रहे हैं, कोई भी बड़े बड़े निवेश की बातें की गई थी, लेकिन धरातल स्तर पर इम्प्लीमेंट वो चीजें नहीं हो पाई है। इस बार जो इम्प्लीमेंट कितना बढ़िया होगा, कितना कारगर होगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो अधिकारी है वो इन चीजों को धरातल स्तर पर इम्प्लीमेंट कराते हैं और छोटे से छोटे वर्ग को तबके को इस ग्लोबल न्यूट्रल समिट के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छोड़ रोजगार पैदा करा सकते हैं। मयूरी विवेक, क्या सरकार इस समिट से सियासी लक्ष्य भी साधने में कामयाब रहेगी? जी बिल्कुल, कोई भी सरकार होगी अगर वो अपने कार्यकाल में कोई बड़ा आयोजन कराएगी तो उसको पहले नंबर पे रखेगी, उसको तवज्जो दी जाएगी, तमाम तरह के विज्ञापन उसके लिए किए जाएंगे। और ये सरकार कोई भी सरकार होगी, मैं ये नहीं कहता कि यही सरकार कर रही है, कोई भी सरकार होगी तो जो अपने आयोजन है, जो अपने काम है, उसका गुणगान और मखान हर सरकार करती है। तो ग्लोबल इंटरेस्ट समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है, 3 दिवसीय आयोजन है, इसके बाद G20 की मेजबानी भी यूपी करेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मुद्दा है वो सरकार आगे तक ले जाएगी, क्योंकि 2023 में 9 विधानसभा राज्यों में चुनाव लड़ना है, त्रिपुरा विधानसभा राज्यों में चुनाव की घोषणा भी होने वाली है। लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पे जाकर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुछ दिन पहले वहां पे चुनाव प्रचार करके आए हैं। उसके अलावा 8 और राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और लोकसभा का जो चुनाव है, जो आम चुनाव 2024 में होने वाला है, उसके लिए भी 1 साल का समय बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे 7 दिन एक्टिव रहने वाली पार्टी है, कार्यकर्ता जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, एक ऐसी पार्टी है। अगर इतिहास से बात की जाए तो 1 साल आगामी लोकसभा चुनाव के लिए है, और इसको जो है ग्लोबल इंटरेस्ट समिट और G20 को जो है वो एक सियासी तौर पे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे प्रचार कर सकते हैं, ताकि लोगों को लगे कि सरकार जो है लगातार काम कर रही है और पूरे विश्व में भारत का डंका मोदी के राज में बज रहा है। मयूरी जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में अब तक 32.92 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कल के आयोजन में देश के प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा था, ये आपको सुनाते। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था, शांति और स्थिरता के लिए है। अब यहां वेल्थ क्रिएटर्स के लिए नित्य नए अवसर बन रहे हैं। बीते कुछ वर्षों में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। बिजली से लेकर कनेक्टिविटी तक हर क्षेत्र में सुधार आया है। बहुत जल्द यूपी देश के उस इकलौते राज्य के तौर पर भी जाना जाएगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से यूपी सीधे
समुद्र से जुड़ रहा है, गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से कनेक्ट होता जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ यूपी में सरकारी सोच और अप्रोच में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सार्थक बदलाव आया है। उत्तर प्रदेश में एक और विषय में बहुत प्रशंसनीय काम हुआ है। ये काम एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट से जुड़ा है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी हेल्थ यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ऐसे अनेक संस्थान अलग अलग स्किल्स के लिए युवाओं को तैयार करेंगे। भारत का श्री अन्न ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को एड्रेस करे। दुनिया इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में भी मना रही है। इसलिए एक तरफ इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, आज ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन है, आप मौके पर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आ रही, क्या कुछ आयोजन हो रहा है? जी मयूरी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के पूरे आयोजन को किया गया है, आज उसका दूसरा दिन है। कल आपने देखा होगा कि भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद थे और देश विदेश से करीब 20 प्रांतों से 20 देशों से लोग यहाँ पर, जो उनके राजदूत थे वो यहाँ पर आए हुए थे और लगातार और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जब उद्घाटन हुआ तो कहीं ना कहीं एक देखने योग्य था। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टर समिट का जो तैयारी किया गया वो पूरी तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में एक माहौल ऐसा बन गया कि जैसे लग रहा था कि कोई जनसैलाब उमड़ पड़ा हो। फिलहाल जिस तरीके से लखनऊ के इस क्षेत्र में जो इन्वेस्टर समिट को लेकर के बैठकें हो रही हैं, लगातार जो प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब ये दिखा रहा है और दर्शा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक नई ग्रोथ आने वाली है और एक नया विस्तार होने वाला है। वो विस्तार इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के और शिक्षा जगत को लेकर, स्वास्थ्य जगत को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं वो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश को एक और विकसित प्रदेश के रूप में जाना जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं हमारे पीछे जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट का ये जो पूरा आयोजन किया गया है, कहीं ना कहीं आपको देखने में ये ज़रूर लग रहा होगा कि अब उत्तर प्रदेश संवर रहा है। कहीं ना कहीं भारत का जो सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, कहीं ना कहीं इसको सजाने संवारने में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और मेहनत लगातार कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आज का जो दिन बताया जा रहा है, आज के दिन अभी स्मृति ईरानी यहाँ पर पहुँचने वाली हैं और केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, वो भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो अब ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आप देख सकते हैं हमारे सामने भीड़ जो दिख रही है यहाँ पर, जो इन्वेस्टर्स हैं कहीं ना कहीं दूर दराज से इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार वो लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है, चल रहा है। और ये सेशन अभी कल तक, देखिए अभी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर आए हैं, कुछ लोग यहाँ पर आए, हम इनसे भी जानेंगे आखिर ये कहाँ से आए हैं, कहाँ से आ पा रहे हैं। हम सर बिहार में आरा से आए हैं। बिहार में क्या क्या लग रहा है आपको इन्वेस्टर समिट को देखकर के यहाँ पे? अच्छी व्यवस्था है, ठीक है, व्यवस्था से खुश हम हैं। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब ये ग्रोथ इंजन चला है कहाँ तक जाएगा? ये डबल इंजन की सरकार का ग्रोथ होगा ही और बहुत से दूसरे प्रदेशों से, दूसरे देशों से भी इन्वेस्टर आए हुए हैं और अपना प्रपोजल डाल रहे हैं और सरकार की जो नीतियाँ हैं उसका लाभ हम लोग ले रहे हैं। क्या लगता है कि अब जब उत्तर प्रदेश अभी कुछ विगत सालों पहले किस तरीके का था, अब जो बदलाव देखने को मिल रहा है पहले और अब में क्या अंतर? बहुत काफ़ी अंतर है। लॉ एंड ऑर्डर था वहाँ पर, सुबह दोपहर शाम कभी भी लूटपाट हो जाती थी, मर्डर हो जाती थी, और जब से योगी जी की सरकार बनी है तब से क्राइम का रेट घट गया है। क्राइम का रेट? और भी कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम लोग नोएडा से आए हुए हैं और यहाँ पे क्योंकि देखिए यूपी में आज की डेट में 8,000 स्टार्टअप कंपनियाँ हैं और हम लोग डिजिटल मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी 8,000 कंपनी है उसको जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक्सपोजर मिलना चाहिए वो हम लोग उन लोग को प्रोवाइड करें।
तो एक नेटवर्किंग के पर्पज से हम लोग का ये था मोटिव कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में चला जाए और यूपी में जितने स्टार्टअप है उनको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो यूपी में जिस तरीके का इन्वेस्ट हो रहा है तो उससे जो रोजगार को बढ़ावा मिलेगा वो किस तरीके से बढ़ावा मिलना? देखिए, रोजगार का बढ़ावा आपका ना 360 डिग्री मिलेगा। जहाँ तक है डिजिटल की बात है या डेटा की बात है, डेटा सेंटर भी है आपका, तो एक नए नए स्किल सेट में भी रोजगार है। एक जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आएगा तो एक ट्रेडिशनल जो एक एम्प्लॉयमेंट का था वो भी जनरेशन होगा। तो अभी तक जो ये उद्योग थे जो कल कारखाने लगाए जाते तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के बाहरी जिलों में और हाईटेक सिटी में लगते थे। अब उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक कवायद की है तो क्या लगता है प्रदेश किस तरह से हो रहा है? प्रदेश देखिए, हम मेरे ख्याल से तो जो अब ये प्लेटफॉर्म मिला है सबको उसकी वजह से बहुत सारी जो सिटी थी, एक तो पहले यूपी में सब जानते थे कि लखनऊ है, नोएडा है या गाज़ियाबाद है, बाकी किसी भी आपका सिटी का नाम नहीं था। अब आज की डेट में बनारस में, गाजीपुर में, देवरिया में, गोरखपुर में हर जगह एक इंडस्ट्री आ रही है, तो वो एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है। और एक्सप्रेसवे भी जिस तरह से बन गया है, अभी आपने देखा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना है और रोड का जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो जो जो इस इन्वेस्टर समिट हो रहा है तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को आने के लिए बहुत कंफर्टेबल सुविधा मिल रही है। तो ये अब जो है यूपी में बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट आएगा, यूपी में बहुत अच्छी डेवलपमेंट होगी। क्या कहेंगे जो लगातार जो एक्सप्रेस वे यहाँ पर बनाए गए हैं प्रदेश में पहुँचने के लिए उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत अच्छा बनाया गया। अभी मैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से मैं गया था, चित्रकूट तक मैं खुद ही गया था और इतना बढ़िया बना है, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो नया बना है तो उसमें आपको जो सुविधाएँ हैं वो अभी धीरे धीरे बन रही, जैसे आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना है, हर 100-100 मीटर पर आपको सुविधा मिलती है, चाहे आपको पेट्रोल पंप हो चाहे आपको CNG हो, हर तरह की सुविधा आपको, हर तरह की चीज़ें जनरेट हो चुकी हैं। तो आप दिल्ली से चलिए, नोएडा से चलिए, आप 6 घंटे में आप आराम से आप लखनऊ आ सकते हैं, लखनऊ से आप बनारस की जो रोडें डेवलपमेंट हो रही हैं तो आप बहुत अच्छे से आप अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं और कैसा लग रहा है इन्वेस्टर समिट में? हाँ सर, मैं प्रयागराज से आया हूँ और इन्वेस्टर समिट में आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिल रही है और ये सरकार युवाओं के लिए रोजगार जनरेट करने के लिए इतना सारी चीज़ें कर रही है। आप देख रहे हैं MSME को सपोर्ट किया जा रहा है, मैं खुद एक MSME हूँ, मेरा 25 करोड़ का टर्नओवर है और यहाँ आके मैंने बहुत सारे काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और किस तरीके से सरकार हेल्प कर रही है MSME की, कि लोगों को हर स्तर पे सपोर्ट दिया जा रहा है फाइनेंशियली और गाइड किया जा रहा है कि कैसे क्या करना चाहिए, लोगों को रोजगार जनरेट हो। और युवाओं के लिए इससे अच्छा मौका कभी नहीं हो सकता था कि ये सरकार, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए आपको? सबसे पहले सड़क चाहिए अच्छी, वो है सुरक्षा है, उसके बाद अवसर, अपना यूपी अवसर का प्रदेश है, इतना युवाओं का भंडार है यहाँ। इसके जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बताया था 15 लाख लोगों को यहाँ स्किल्ड हैं जो अपने यूपी में युवा, तो यहाँ लोगों के पास अवसर भी है और जो लोग आके इन्वेस्ट करेंगे सुविधा भी है, सारी चीज़ें हैं और गवर्नमेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रही है। कहीं MSME के तहत भी यहाँ पर रोजगार मिल रहे हैं लगातार उत्तर प्रदेश में? रोजगार मिल रहा है, मैं खुद एक MSME हूँ सर, मैंने 7 लोगों को रोजगार दिया हुआ है। मैं पहले जॉब करता था 2014 में, 2015 में मैंने जॉब रिजाइन करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बड़े संघर्ष के बाद मैं उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी के से प्रेरणा लेके उस समय स्टार्टअप इंडिया का जो चला हुआ था मैंने अपना स्टार्ट किया और आज आप देखिए कि पहले मैं जॉब करता था और आज मैंने लोगों को रोजगार दिए हुए हैं और आने वाले समय में मेरा जो प्लान है मैं 300 से ज़्यादा लोगों को अगले 5 सालों में रोजगार दूंगा सर। आपने देखा कि यहाँ पर जो MSME से जुड़े हुए लोग हैं उनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि वो खुद 300 से 400 लोगों को रोजगार देंगे। अभी जो छोटे बजट के लोग हैं जिनका करोड़ों में केवल टर्नओवर है वो ये कह रहे हैं इस तरीके से उनको बढ़ावा कहीं ना कहीं मिल रहा है। जी रितेश, अगर मैं कल की अगर आपसे जानकारी तो कल का क्या कुछ पूरा शेड्यूल होगा, कौन कौन बड़े दिग्गज शामिल हो रहे हैं, कल क्या कुछ कार्यक्रम होंगे? देखिए कल तो कार्यक्रम का समापन होगा क्योंकि 3 दिन का कार्यक्रम था और मैं पहले आज का कार्यक्रम आपको बता दूं कि आज अभी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुँचने वाली हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुँचने वाले हैं और सूचना ये भी प्राप्त हो रही है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुँचने वाले हैं और जो भी देश के लोग यहाँ पर है उनका सेशन चल रहा है। तो लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके का सेशन आज यहाँ पर चल रहा है प्रदेश में, अभी और जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्वेस्टर्स आए हुए हैं वो और कहीं ना कहीं उसमें इजाफा होने की बात कही जा रही है। फिलहाल आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की हुजूम अभी आपके साथ सहयोगी विवांशु भी मौजूद है, मैं चाहूंगी आप उनसे भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कुछ जानकारियां लें।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट को लेकर के यहाँ पर लगातार बातें चल रही हैं और लोग यहाँ पर इन्वेस्टर इकट्ठा हो रहे हैं, मैं आपको बता दूँ आज का जो शेड्यूल है वो लगातार हैंडलूम टेक्सटाइल सेशन, विजिंग इंडियाज ग्रोथ स्टोरी, इस पर सत्र होना है। और मैं आपको बता दूँ कि हेल्थ केयर थ्रू एंड इन्वेस्टर्स पर भी यहाँ पर जो है सारी चीज़ों का कार्यक्रम होना है। अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी विभांशु भी हैं, हम उनसे भी जानकारी लेंगे कि आखिर आप यहाँ लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं इन्वेस्टर समिट पर, क्या लगता है आपको कि अभी आने वाले आज का जो सत्र चल रहा है उस सत्र में और क्या कुछ खास होने वाला है? जी बिल्कुल वितेश जी, अगर देखा जाए तो आज सुबह 10 बजे से पहला सत्र शुरू हुआ है, टोटल आज 13 सेशन चलने वाले हैं। निश्चित तौर से ये जो तमाम निवेशकों के साथ बैठकर जो जनप्रतिनिधि हैं और साथ ही साथ विभागीय अध्यक्ष हैं, उन लोगों की बैठक निश्चित रूप से एक बेहतर जो परिणाम देगी। और साथ ही कल सुबह के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री लगातार जो दावा कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर पूरा होगा। अगर बात की जाए तो आप यहाँ तस्वीरों में देखे होंगे और तमाम आप भी नज़र बनाए हुए हैं, आप यहाँ जो निवेशक है उनके जो चेहरे का भाव है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं कामयाबी उनके चेहरों से नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये निवेशक जब विदेशों में जाते हैं तो जो यूपी मॉडल को जो यहाँ के मंत्री लगातार रोड शो किए विदेशों में जाकर, चाहे बात की जाए तो विदेशों के साथ साथ देश के जो प्रमुख शहर हैं, चाहे बात की जाए देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मुंबई जाकर फिल्मी जगत के साथ बैठक किए, रोड शो किए, जिसके बाद कहा गया कि उद्योग की नगरी मुंबई से कहीं ना कहीं निश्चित एक बदलाव आएगा, तो ये सभी चीजें के उन्होंने जो दावे किए हैं, अब उससे इन्वेस्टमेंट समिट खत्म होगा और बात की जाए तो जो AMOU साइन किए गए हैं उसका निश्चित तौर पर जमीन पर क्या हकीकत नजर आता है वो समिट खत्म होने के बाद हम कह सकेंगे। मगर पूरे प्रदेश के जो युवा हैं, जो तमाम उद्यमी लोग हैं, उनकी कहीं ना कहीं निगाहें इस मेगा इवेंट पे बनी हुई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि देश का ये अब तक का सबसे बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, इससे बड़ा आज तक कोई इवेंट नहीं हुआ है। क्योंकि अगर बात करें तो ये देश का सबसे बड़ा सूबा है, तो लगातार आप जानते हैं कि जिस तरीके से इन्वेस्टर समिट, इसके पहले भी 3-4 इवेंट ऐसे हो चुके हैं जिनमें इस तरह का उद्यमी आए थे और उन्होंने अपनी चीज़ों को रखा था। यहाँ पर डिफेंस एक्सपो भी हो चुका है, अब इससे फायदा किन लोगों को पहुँचने वाला है? क्योंकि जो बड़े उद्योगपति उन्हें तो फायदा होने वाला है, जो नीचे तबके के लोग हैं उन पर रोजगार कहाँ तक उनको मिलने वाला है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कल रिलायंस समूह के अध्यक्ष मुकेश अंबानी अपने संबोधन में कहें कि हम उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 5G नेटवर्क को पूरी सुचारू ढंग से व्यवस्थित तरीके से चलाएंगे। इससे साफ है कि कहीं ना कहीं वितेश जी जो युवा है, जो IT सेक्टर का युवा है, उनको रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। और कहा जा रहा है कि यूपी के बजट के 5 times more यानी कि 5 गुना ज़्यादा जो बजट है वो MOU के माध्यम से यहाँ जो देखा गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि यूपी के 5 गुना बजट के साथ साथ जो रोजगार के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि प्रदेश का जो युवा है पिछले 5 सालों में 4,16,000 रोजगार दिए गए और तमाम विपक्षी दल इसको लेकर सवाल पूछते रहे कि आप स्वरोजगार यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी कैसे आप विकास करेंगे, उसके लिए ये इवेंट एक बड़ा योगदान साबित करेगा। कहीं ना कहीं देखें तो जो प्रदेश के युवा हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में इस पे कहीं ना कहीं रोजगार पाते हुए नजर आएगा। और बात रितेश, अगर मैं यूपी पश्चिमी में निवेश की बात करूं तो निवेश को लेकर यहां कैसे स्थिति देखने को मिल रही है, मैं चाहूंगी विवांशु से आप जानकारी लें। देखिए बिल्कुल, अभी जो निवेश को लेकर के बातें हो रही हैं, अभी वो कौन कौन सी कंपनियां बड़ी थी जिन्होंने निवेश के लिए अभी कल जो यहां पर निवेश के लिए निवेशक आए थे, क्या कुछ रहा? जी बिल्कुल, अगर वितेश जी देखा जाए तो साहू समूह के जो तमाम निवेशक थे वो कल यहां आए थे, हिंदुजा ग्रुप के आए थे, अंबानी समूह के आए थे, टाटा सन्स के आए थे और तमाम अशोक लीलैंड से समेत अगर बात की जाए तो चाहे वो कौशल विकास के क्षेत्र में हो, चाहे बात की जाए तो वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे बात की जाए तो स्किल एजुकेशन के साथ साथ IT सेक्टर हो, चाहे बात करें तो जो मेडिकल टूरिज्म को लेकर लगातार सरकार बेहतरी में काम कर रही है कि जो तमाम हमारे तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर हम मेडिकल टूरिज्म के तहत उन किनारों पर, नदियों के किनारों पर हम टेंट हाउस बनाएंगे जिससे राजस्व आएगा, तो बेहतर हर एक क्षेत्रों से जो उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ देश के निवेशक हैं और वो कहीं ना कहीं रुचि लेते हुए नजर आ रहे हैं। वितेश जी आप जहाँ CM योगी लगातार डेलीगेशन से मुलाकात कर रहे हैं, हम चाहेंगे विवांशु से आप जानकारी लें इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है।
पांडे साहब को आवाज आ रही। रितेश, सीएम योगी लगातार डेलीगेशंस के साथ मुलाकात कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? हम चाहेंगे विवांशु से आप जानकारी लें। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार डेलीगेट्स के साथ मुलाकात कर रहे हैं और आज ये जानकारी मिली कि अभी 4 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और जब वो यहाँ पर पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ और दिशा और दशा बदलती हुई नजर आएगी। फिलहाल विवांशु मेरे साथ है, मेरे सहयोगी हैं, लगातार चपे चपे पर नजर बनाए हुए हैं और एक एक चीज पर इन्होंने अध्ययन किया है। कृषि को लेकर के क्या लगता है कि जैसे कृषि को लेकर के भारत में बहुत बढ़ावा दिया तो कृषि को लेकर के जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स आए हों उसमें क्या फिर बदल नजर आ रहा है? जी, अगर बात की जाए तो कृषि क्षेत्र हो या दुग्ध क्षेत्र यानी कि डेयरी को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में कहीं ना कहीं देखे तो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही विदेशों में जाकर जैसे वहाँ पे दूध उत्पाद को कैसे हम अवॉर्ड कर सकते हैं, अपने खपत के बाद हम बाहर कैसे भेज सकते हैं, इसको लेकर उद्यमियों के साथ चर्चा किए। साथ ही अगर बात की जाए तो हम जहां मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं तो एक नया टर्म भी आया है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस ऑर्गेनिक फार्मिंग से कहीं ना कहीं जहां लोग तमाम बीमारियों से जो पेस्टिसाइड, मोनोसाइड, हर्बिसाइड जो खाद खेतों में उपयोग हो रहे हैं उसके कहीं ना कहीं उपयुक्त एक ऑप्शन के तौर पर अगर देखें तो ऑर्गेनिक हो रही है, पैदावार इसमें कहीं ना कहीं कम हो रहा है मगर जो भी फसल आ रहा है उससे तमाम बीमारियों का रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ रही है, तमाम बीमारियों के चांसेस भी कम हो रहे हैं। तो कृषि क्षेत्र में कहीं ना कहीं देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग और साथ ही साथ मेडिकल टूरिज्म, इन दोनों को पूरी तरह से पूरे कार्यक्रम में इस पर मुख्य रूप से काम किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत के अंदर में क्या कुछ पूरा शेड्यूल होगा, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे, कौन बड़े दिग्गज शामिल हो रहे हैं जाती है, साथ ही तमाम। बिल्कुल बिल्कुल विवांशु, सबसे बड़ी चीज़ है कि आज दूसरा दिन चल रहा है इन्वेस्टर समिट का, कल इसमें समिट का तीसरा दिन है तो कल क्या कुछ खास होने वाला है यहाँ? जी बिल्कुल, इस कार्यक्रम का समापन देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जाएगा और निश्चित तौर पे जो तमाम निवेशक आएंगे वो देश की राष्ट्रपति से का संबोधन सुनेंगे और जो तमाम जगहें हैं वहाँ पे घूमेंगे। और अगर शेड्यूल की बात करें तो कल आखिरी सेशन होगा। अगर बात करें तो इस 3 दिनों के कार्यक्रम में टोटल 36 सेशन चल रहे हैं। अगर आज बात की जाए तो आज 13 सेशन हैं, वहीं अगर बात की जाए तो बाकी के जो कार्यक्रम हैं वो कल होंगे। अगर बात करें तो कल आखिरी दिन कृषि और साथ ही साथ उद्योग जगत के तमाम जो उत्तर प्रदेश उद्योग के मंत्री हैं नंद गोपाल नंदी वो एक सेशन करेंगे, जिससे निश्चित तौर पे हर एक क्षेत्र में जो बदलाव के दावे किए जा रहे हैं निश्चित तौर पे देखने को मिलेंगे। जी रितेश, देखा जाए तो कल द्रौपदी मुर्मू का शहर में आगमन हो रहा है, उनका क्या कुछ पूरा शेड्यूल होगा, क्या कुछ कार्यक्रम होंगे? देखिए, मैं बता दूं कि आपके भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका कल यहाँ पर आगमन होना है क्योंकि कल यहाँ पर ये जो इन्वेस्टर समिट का आयोजन है वो कल उसका समापन होगा तो कहीं ना कहीं भारत की जो राष्ट्रपति हैं उनके हाथों यहाँ पर समापन होना है। फिलहाल अभी इन्वेस्टर्स की भीड़ यहाँ पर जुट रही है, आप हमारे पीछे देखिए कैमरे में कि किस तरीके से इन्वेस्टर्स अभी लगातार यहाँ पर जुट रहे हैं और लगातार इन्वेस्टर्स का जुटना यहाँ पर चलता जा रहा है और आप देख सकते हैं साफ तौर पर पूरी तरीके से। अब ये देखिए इस गाड़ी में जैसे ये लोग बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे क्षेत्र को जो 5 एकड़ में लगभग फैला हुआ है, 6 एकड़ में लगभग फैला हुआ है उसमें ये गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। उस गाड़ी के साथ में जो लोग बाहर से इन्वेस्टर्स आए हैं, जो निवेशक आए हैं, वो इस जगह का पूरी तरीके से मुआयना कर रहे हैं और देख रहे हैं कैसे व्यवस्थाएँ यहाँ पर की गई हैं। बता दें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज दूसरा दिन है, आज कई कार्यक्रम हो रहे हैं, आज 15 सत्र का आयोजन होगा जिसमें केंद्रीय मंत्री और राज्य सरकार की मंत्री देश और यूपी विकास का खाका और डबल इंजन की सरकार का विजन साझा करेंगे। अब तक प्रदेश सरकार ने अपने लक्ष्य से 3 गुना से अधिक निवेश प्रस्ताव हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। विभिन्न कंपनियों के साथ राज्य सरकार ने 18,643 MOU समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत अब तक 32.92 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हुए हैं। कहा कि इससे प्रदेश के युवाओं को 92.50 लाख से अधिक नौकरी व रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
बता दें प्रदेश में बेहतर आधारभूत सुविधाओं व बदली कानून व्यवस्था का परिणाम है कि आर्थिक रूप से पिछड़े पूर्वी क्षेत्र को 9,55,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन ट्रैफिक व्यवस्था फेल होती हुई नजर आ रही है। शहीद पथ से कार्यक्रम स्थल जाने वाले मार्ग पर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई किलोमीटर के लंबे जाम में इन्वेस्टर समिट में जाने वाली गाड़ियां फंसी हुई हैं। डायल 112 के बाद शहीद पथ पर ध्वस्त ट्रैफिक व्यवस्था नजर आ रही है। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन ट्रैफिक व्यवस्था फेल नजर होती आ रही है, लंबा जाम नजर आ रहा है। तस्वीरें शहीद पथ से आपको दिखा रहे हैं जहां कार्यक्रम स्थल पर जाने वाले मार्ग पर लंबा जाम लगा हुआ है। इन्वेस्टर समिट के दूसरे दिन ट्रैफिक व्यवस्था फेल होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर शहीद पथ की है जहां कार्यक्रम स्थल पर जाने वाले मार्ग में लंबा जाम देखने को मिल रहा है। गाड़ियों की कतार लगी हुई है। इन्वेस्टर समिट में जाने वाली गाड़ियां इसी जाम में फंसी हुई हैं। कई किलोमीटर के लंबे जाम में इन्वेस्टर में जाने वाली गाड़ियां फंसी हुई हैं। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। वही इन्वेस्टर समिट को लेकर ट्रैफिक को लेकर तमाम दावे किए गए थे, वही तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं वो दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाड़ियों की कतार लगी हुई है। वहीं कार्यक्रम में जाने वाली कई गाड़ियां इसी जाम में फंसी हुई हैं। ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर हम आपको शहीद पथ से दिखा रहे हैं जहां गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।